लेबनान में ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक पेजर्स डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिनमें 3,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 32 लोगों की जान चली गई। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने ऐलान किया था कि हिजबुल्ला हर हाल में इसराइल से इसका बदला लेकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा था कि वो उत्तरी फ्रंट पर युद्ध के एक नए चरण को खोल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच अब हिजबुल्ला का इंतकाम शुरू हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने यहां पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी है, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला ने उत्तरी बॉर्डर पर एक ड्रोन हमला भी किया है, जिसकी जद में कई लोग आ गए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने रमीम रिज इलाके में हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने यहां पर आईडीएफ की एक सैन्य चौकी को निशाना बनाया है, जबकि रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि इस इलाके में कम से कम 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फायर की गई हैं। इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक मिसाइल मार्गालियोट कृषि कम्युनिटी की चिकन कूप पर गिरती हुई दिख रही है। वही आईडीएफ का कहना है कि उसने उस लॉन्चिंग पैड पर जवाबी हमला किया है, जहां से हिजबुल्ला ने ये मिसाइल फायर की थी। हालांकि इसके बावजूद हिजबुल्ला ने कुछ घंटों बाद ही लेबनान से विस्फोटक से लदे कई ड्रोन उत्तरी बॉर्डर पर फायर कर दिए। आईडीएफ का कहना है कि ये ड्रोन यारा इलाके में जाकर गिरे, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा किरियत शमोना के बेत हिलेल में भी कई ड्रोन फटे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक अपर गलील के तेल हाई में एक आईडीएफ जवान की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक चोटिल हुए हैं। इसको लेकर अल जजीरा का कहना है कि 2 रॉकेट अपर गलील की तरफ दागे गए। वहीं न्यूज एजेंसी अनादोलू का कहना है कि गलील फिंगर में 2 एंटी टैंक रॉकेट्स की वजह से 8 जवान घायल हुए हैं। जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए आईडीएफ को मिलिट्री हेलीकॉप्टर और 7 एम्बुलेंस तक भेजनी पड़ी। वहीं इजरायली न्यूज एजेंसी यदियोत अहरोनोत ने खबर दी है कि वेस्टर्न गलील में ड्रोन धमाके में 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना कि बीत हिलेल में कई रॉकेट आकर गिरे हैं।